इसका बैटरी बैकअप किस टाइप का, बिल्ड क्वालिटी किस टाइप का, लंबे समय के लिए इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये पैसा वसूल वाला ईयरफोन्स है ब्लूटूथ वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है, अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको उस वीडियो की जरूरत है। आप यही वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको 110% समझ में आ जाएगा कि OnePlus का वायरलेस Z2 वाला जो ये ईयरफोन्स है ब्लूटूथ वाला वो कैसन बा। एकदम ईमानदारी से हम अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे शेयर करने वाले। तो वीडियो में ज्यादा पचर पचर करके ना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कोई भी आप ईयरफोन्स लीजिए ब्लूटूथ वाला, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि भाई उसका बैटरी बैकअप अच्छा हो। तो यहीं से हम स्टार्ट करना चाहेंगे, इसका बैटरी बैकअप किस टाइप का है और चार्जिंग में कितना समय लेता है और कैसा है ये ईयरफोन्स। तो गाइस यहां पे आपको सीधा सीधी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ईयरफोन्स है ना, इसका जो बैटरी बैकअप है एटलीस्ट 2 दिन आपका आराम से दे देगा। अगर आप रफ यूज करते हो ना तो आपका 2 दिन दे देगा, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल यूजर हो ना मेरे टाइप के, तो आपका कभी कभी 3 दिन भी दे देगा। अब ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं, इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो सच में बहुत ही अच्छा है। फिर चाहे आप कॉलिंग वगैरह लीजिए या फिर म्यूजिक वगैरह सुनिए ना, आपको बैटरी बैकअप को लेके खास करके ये वाला ईयरफोन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बैटरी बैकअप को लेके आपको मोहब्बत हो जाने वाला है, और मोहब्बत से याद है कि इसका जो चार्जिंग स्पीड है ना वो तो अपरंपार है, और इसी चीज से हमको मोहब्बत होगी। कहने का मतलब ये है कि इसे आप चार्जिंग में लगा दीजिए, 10 मिनट अगर आप लगा देते ना तो आपका आराम से 1 दिन ये चल जाता है। यानी कि इसका जो चार्जिंग स्पीड भी है वो बहुत ही अच्छा है। इवन आप 2-3 मिनट भी चार्ज लगाएगा ना, आराम से आपका 2-3 घंटा यहाँ पे दे देता है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, आप जब इसे यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में ये आ जाएगा। तो इसका जो बैटरी बैकअप है और जो चार्जिंग स्पीड है ना वो बहुत ही अच्छा। जितने लोगों को मैंने रेकमेंड किया सब लोग मुझे यही करते हैं कि भाई दो रोटी खा लो और इसको चार्ज कर लो, आराम से हो जाता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर, तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। ये जो आप बीच में बटन देख रहे हैं ना, इसे आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो ये आराम से जो है आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए गाइस कि आपने पहले से किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट रखा है लेकिन अब आपको दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे आपको फिर से जो है यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा ना, तो आपका इजिली जो है दूसरे डिवाइस के साथ भी पेयर हो जाएगा। एक चीज जरूर याद रखिए कि एक टाइम में 2 डिवाइस में ये कनेक्ट नहीं होता है, एक को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरे से कनेक्ट होगा। इनकेस अगर आपको कनेक्टिविटी में कभी प्रॉब्लम आता तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है इसे आप ऐसे लगाइएगा और ऐसे हटाइएगा ना, तो आराम से कनेक्ट भी ले लेता। तो कभी कभी एक छोटा मोटा सा बग मुझे देखने को मिला था, इवन यहाँ पे मैंने इसे हटा भी दिया है तो भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो ना टेंशन मत लीजिएगा, एक बार फिर से चिपकाइएगा, फिर से हटाइएगा ना, तो इजिली जो है आपके डिवाइस के साथ पेयर हो जाता है। बाकी ज्यादा बात है कॉलिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो चिल्ला के बात कीजिए या फिर फुसफुसा के बात कीजिए, समझ रहे ना, किसी से भी आपका बातचीत आराम से हो जाता है, अगला के पास आपका आवाज आराम से पहुंच जाएगा। अगर आप फुसफुसा के बात कीजिएगा तो भी पहुंच जाता है। जहां तक बात है नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, तो वो डिसेंट काम करता है, उस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन भाई बहुत ही तगड़ा काम करता है इसका, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता है, डिसेंट काम करता है मैं आपको जरूर कहूंगा। लेकिन जो ऑडियो की जो क्वालिटी है, जो कॉल की क्वालिटी है, वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी। इवन यहाँ पे म्यूजिक वगैरह का भी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, झनकार आपको सुनाई देगा, तबला आपको सुनाई देगा, यानी कि जो बेस है ना वो अपरंपार तरीके से आपको सुनाई दे देगा आपके कानों में। यानी कि बहुत ही ज्यादा बेस बढ़ा हुआ नहीं है, झनकार वगैरह उतना ज्यादा नहीं कि आपको कानों को तकलीफ दे। आप लंबे समय के लिए भी आप इस ईयरफोन को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैक्सिमम केस में तो मैं खुद जो है कान में हमेशा इसे लगाए रहता हूं, एक कान, काहे कि कॉल वगैरह से उठा के बात करना थोड़ा सा हम भूल गए, तो ये वाला ईयरफोन से थोड़ा सा हमको भी लत लग गया है। बातचीत करने में भी अच्छा है और म्यूजिक में भी बहुत ही अच्छा ये वाला ईयरफोन से। बाकी जहां तक बात है बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो देखिए क्या ही हम इसके बारे में आपको बताएं, बिल्ड एंड डिजाइन भी डिसेंट मिलेगा। बस एक चीज जरूर से ध्यान रखिएगा कि इसका जो ये वाला वायर है ना, ये वाला जो वायर है इसे थोड़ा सा बचा के रखिएगा। ये आपको डिसेंट क्वालिटी का मिल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उतारते फुतारते कहीं पे ये फंस गया ना तो ये आराम से टूट भी सकता है। तो ये एक चीज लंबे समय मैंने फील किया कि ये थोड़ा सा फंस जाता है ना तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है। लेकिन बाकी ओवरऑल जहां तक बात है बिल्ड के बारे में, तो यार अभी तक लंबे समय तक इसे यूज करने के बाद लगभग 7 से 8 महीना मुझे हो गया इसे यूज करते हुए, और कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आया इसके बिल्ड एंड डिजाइन में। जैसा था बस वैसे ही, बस थोड़ा सा चमक यहाँ पे कम हो गया, और चमक से याद है कि इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जिससे आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, स्टार्टिंग में बताना भूल गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइसिंग के बारे में तो हम आपको बताना ही भूल गए। प्राइसिंग देखिए इसका लगभग 2000 रुपए आपको स्टोर वगैरह मिल जाता है, ऑनलाइन भी लीजिएगा तो आपको 2000 में ही मिलेगा, और 2000 के हिसाब से भी देखते तो बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी है। आप जब इसे लीजिएगा, यूज कीजिएगा, चार्ज कीजिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि चीज तो बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा तेज है ना तो ये आपको 1700 तक में भी मिल जाएगा आराम से। ऑफर वगैरह में ये 1700 तक नीचे जाता है, लेकिन उसके नीचे ये कभी भी नहीं जाता है, ये चीज जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी जो इसका बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूं, अगर आपको लेना है इसका प्राइस चेकआउट करना तो जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी वैसे एक दो और ऑप्शन आपको इसी प्राइस में देखने को मिल जाते, उसका भी जो लिंक है
आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है इस ईयरफोन्स के बारे में या किसी और ईयरफोन्स के बारे में, तो जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सभी का रिप्लाई करते हैं, आपका भी करेंगे। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिए।